वहीं आपको बता दें, थोड़ी देर में INDIA गठबंधन की बैठक शुरू होगी। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक हो रही है। 28 पार्टियों के 62 नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। बैठक में गठबंधन का लोगो जारी होगा। 6:30 पर सभी नेता बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA गठबंधन के नेताओं का मुंबई में जमावड़ा लगा है। करीब 28 पार्टियों के 62 नेता महाराष्ट्र की राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA को 2024 चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए मंथन करने वाले हैं। विपक्ष की इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए कई दावेदार सामने आ गए, तो वहीं राज्यों में भी कुछ अलग ही जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि दूसरी बैठक की मेजबानी कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस की मेजबानी में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें 26 पार्टियों के नेता जुटे थे, लेकिन आज 28 पार्टियों के 62 नेता मुंबई पहुंचे। तो हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, बैठक को लेकर क्या जानकारी, बैठक शुरू हो गई है या नहीं? देखिए अभिषेक जी, फिलहाल तमाम जो बड़े नेता थे विपक्ष के, वो इस वक्त मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी देर बाद जो इंडिया का लोगो है, जो नाम रखा गया, उसका लोगो का अनावरण किया जाएगा। उसके बाद ये चर्चा शुरू की जाएगी कि आखिर कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एकजुट रहकर कैसे विचारधाराओं को बदलना है, इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, और उसके अलावा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इस वक्त पहुंच चुके हैं, और जमघट लगना तमाम बड़े विपक्ष नेताओं का इस वक्त शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अब जिस पल का इंतजार किया जा रहा था, जिस क्षण का इंतजार किया रहा था, वो अब कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। पहले इंडिया का जो लोगो है वो डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद 5 से 10 प्रवक्ताओं की बनाए जाएंगे, जो समय समय पर मीडिया से बात करते रहेंगे। उसके अलावा सोशल मीडिया की टीम बनाई जाएगी, ताकि सोशल मीडिया का जो इस वक्त दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर तमाम इंडिया से जुड़े विपक्ष जो दल हैं, उनसे जुड़े जो अपडेट्स हैं, वो लोगों तक पहुंचने चाहे, तो ऐसे तमाम जो चीजें हैं इस वक्त वो की शुरुआत जाएगी। उसके बाद रात को उद्धव ठाकरे ने डिनर का आयोजन किया है। उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके बाद डिनर में ये चर्चा की जाएगी आखिर क्या होगा, और कल का दिन, कल सुबह से ही मीटिंग का दौर शुरू होगा, बड़ी बैठक होगी, आपसी उसमें सहमति होगी, आज पे विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम सवालों के जो जवाब है वो नेताओं की तरफ से आम जनता और मीडिया को दिया जाएगा। अब तक तो फिलहाल तमाम जो बड़े नेता है वो पहुंच चुके हैं, और जमघट लगना शुरू हो चुका है विपक्षी नेताओं का मुंबई में। जी शुभम, अब इन सब के बीच देखिए, बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से अडानी के मुद्दे को एक तरीके से कहें तो उठाया है और हवा दी है। इसके क्या मायने? बैठक से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया और अडानी का मुद्दा एक बार फिर से छेड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए अनएक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि राहुल गांधी की कोई शेड्यूल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था नहीं, लेकिन कुछ देर समय पहले पता चलता है कि राहुल गांधी जैसे मुंबई पहुंचेंगे, उसके 1 घंटे बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करेंगे। अकेले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कयास लगा जाता है कि कुछ और लीडर्स बड़े अपोजिशन के जो अन्य पार्टियों के हैं वो आ सकते हैं, लेकिन अकेले राहुल गांधी जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। और अडानी का मुद्दा देखिए, पहले जिक्र हुआ था कि अडानी, गौतम अडानी के बारे में लगातार बात कर रहे थे, और इस वक्त मुंबई में आए हैं, तो मुंबई से ही, मुंबई में जो धारावी का विकास प्रोडल हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, तमाम जो बड़ी कंपनियां इस वक्त जो अडानी ने खरीदी हैं उसके विषय पर उन्होंने चर्चा की। और सीधे तौर पर एक ही सवाल लगातार जो पिछले कई सालों से, पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी से पूछ रहे हैं कि आपका और गौतम अडानी का क्या रिश्ता है, और आपकी जो पैसे यहाँ 1 बिलियन डॉलर की बात कही उन्होंने, 2 न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की आर्टिकल भी मीडिया के सामने रखी कि कैसे सबूत के साथ इस अखबार ने दावा किया है कि अडानी का अंबानी के साथ रिश्ता है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां खरीद जा रही हैं। तो ये बड़ा सवाल जो पिछले कुछ समय से, दिनों से लगातार संसद में उठाए जा रहे थे, उसके बाद अब राहुल गांधी मुंबई आए हैं तो वहां पर भी उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा साफ तौर पर राहुल गांधी का एक ही है कि किसी भी मुद्दे को आप छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपका गौतम अडानी के साथ क्या रिश्ता है, लगातार इसी बात को लेकर वो सवाल साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब के बीच देखिए शुभम, बैठक तो थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा
फैसला केंद्र सरकार ने ये लिया है कि अचानक से संसद के विशेष सत्र को आहूत कर लिया गया है। चर्चा क्या उसको लेकर के भी होगी, क्योंकि 18 से 22 सितंबर 5 दिनों का ये विशेष सत्र अचानक से बुलाया गया है, तो चर्चा अब इसको लेकर भी वहां होगी। बिल्कुल लाजमी है, चर्चा होगी, संसद के दोनों सदनों में होगी, लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में होगा। जो विशेष सत्र इस वक्त बुलाएगा, हालांकि मानसून सत्र अभी खत्म हुए, ज्यादा दिन हुए नहीं है, लेकिन विशेष सत्र बुलाएगा तो जाहिर सी तौर पर इस मुद्दे की जांच की जाएगी। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेपीसी की जांच बिठानी चाहिए, बुलानी चाहिए, ताकि चीजें क्लियर हो जानी। तो ऐसे में 5 दिन का विशेष सत्र बुलाना, आप सोचिए कि सरकार भी किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। शायद सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकती है, या जो इस वक्त इंडिया की बैठक चल रही उस पर भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये 5 दिन का विशेष सत्र बुलाना, सरकार कहीं ना कहीं तैयारी कर चुकी है। सरकार सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो शायद विपक्ष को जवाब देने के लिए या जो अन्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए 5 दिनों का विशेष सत्र जो है ये बुलाया 18 से 22 सितंबर। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से इंडिया की बैठक हो रही, विपक्ष एक साथ एक मजबूत हो रहा है, एकजुट हो रहा है, तो सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी ये कोशिश करेंगे कि कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए या समय रहते जवाब को कैसे दिया जाए। देखिए, इसी वजह से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और अब विशेष सत्र बुलाकर इसमें बात को रखा जाएगा या चीजें होगी या कुछ अन्य और नए प्रस्ताव लाए जा सकते, इसीलिए सरकार ने जो है ये 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है। अब इन सब के बीच एक और चीज शुभम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक हमने जितने भी दिग्गज नेता हैं उनकी तस्वीरें तो देख ली, एक चेहरा नीतीश कुमार की तस्वीर अभी तक दिखी नहीं है। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार जो है वो पहुंचे नहीं है शायद, और इसी वजह से उनकी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि तमाम और अन्य जो लोग हैं वो पहुंच शुरू हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी शायद मिल रही है कि शायद नीतीश कुमार को अगले कुछ समय में या अगले कुछ घंटे में मुंबई पहुंच जाएंगे। अकेलोते ऐसे नीतीश कुमार हैं जो इस वक्त नहीं पहुंच पाए, लेकिन नीतीश कुमार आएंगे जरूर, क्योंकि उनके नाम की लिस्ट में उनका नाम हो चुका है। और अब तक दो जो बड़ी मीटिंग हुई है, पटना में हुई थी, बैंगलोर में हुई थी, अब तक फ्रंट फुट में जो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे विपक्ष की ओर से, इंडिया की ओर से, वो अकेले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार आएंगे जरूर, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार शायद करना पड़ रहा है या ठीक है। नजर आप बना करके रखिए शुभम, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी।